मेरा नाम सरिता है। आज 7 तारीख है। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। पुष्पा, मैं उसे प्यार से पुष्पा बुलाती हूँ। उसका नाम वैसे पुष्पेंद्र है। आज वो जेल से छुटकर घर वापस आ रहा है। इसके पापा कहते थे कि जवान लड़का है, गलती हो गई। अब लड़कियां भी तो उकसाने के लिए छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं। उस बेचारे की क्या गलती है? और जो गलती है उसकी सजा काट तो आया है वो 7 साल। 7 साल बहुत होते हैं। अभी 2 साल पहले पुष्पेंद्र के पापा गुजर गए। सामाजिक बहिष्कार ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। वकील का मुंह भरते भरते थक चुके थे। हार्ट अटैक आया था उनको। वैसे ज्यादा बात नहीं होती थी हमारी। उनकी पेंशन मिल जाती है 6500 रुपए। अब 2 साल से मैं वकील का मुंह भरते आ रही हूं। बाकी के बचे पैसों से घर चल जाता है। जब पुष्पा पैदा हुआ था ना, तो इसके दादाजी बड़े खुश हुए थे मुझसे कि कम से कम दूसरी बार लड़का तो जना। वो क्या है ना, उससे पहले भी मेरे पेट में एक बच्चा था। पुष्पा के पापा ने डॉक्टर से जांच करवाया तो पता चला कि लड़की है। उसी टाइम गिरवा दिया। परिवार को वारिस चाहिए था, श्राप नहीं। खैर, आज मैं उसके लिए मछली चावल बना रही हूँ। उसको बचपन से बहुत पसंद था। अभी क्या खाता है क्या नहीं, शायद अब उसे कुछ और पसंद आता हो। लेकिन 7 सालों से उसने अपने माँ के बने हाथों से मछली चावल भी तो नहीं खाया होगा ना। उसे ज़रूर पसंद आएगा। छोटा सा था, लगभग 5 या 6 साल का। मेरी साड़ी का पल्लू पकड़कर पूरे घर में घूमता था बदमाश। उस दिन जब कचहरी में पुष्पा ने अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि किस तरह उसने उस 15 साल की लड़की के कपड़े फाड़े थे, उसका बलात्कार किया था, थोड़ा घबरा गई थी मैं। पुष्पा के पापा ने तो उस लड़की के घर वालों के मुंह पर पैसे भी मारे थे। जब मैंने पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने कहा साले बिकने को राजी नहीं है। हेलो हेलो वेलो से काम ना चली आंटी जी। भाई जी 7 साल का वनवास काट के आ रहे हैं। 5000 से 1 रुपया कम ना ले जी। लेकिन वो है किधर? साथ में जी भैया जी हमारे। बस चौराहे पे छोड़े हैं, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। उधर वो जेल में सजा काट रहा था और यहाँ हम लोगों ने हमारे घर का पानी पीना बंद कर दिया। रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया। सबको हम लोगों से घिन आने लगी। बताओ, लेकिन आज मेरा पुष्पा वापस आ रहा है। पुष्पा आजा, अंदर आजा। बैग तो दे दे। बैठ सोफे पे, आराम से बैठ। पानी लेकर आऊं तेरे लिए? पानी। खा लो पुष्पा। पुष्पा तरस गया था तेरे मुंह से सुनने को मां। मैं भी तो तरस गई थी तेरे मुंह से मां सुनने के लिए। ये साड़ी तेरे बहुत खिलती है। भूख लगी होगी ना तुम्हें? मुंह हाथ धो लो, खाना परोसती हूँ। तुझे पसंद है इसलिए मछली चावल बनाया है। खा पुष्पा। खा लूं? हाँ, तेरे लिए ही तो बनाया है मैंने। मजा आ गया, मजा आ गया। बहन चोद, मजा आ गया। मजा आ गया माँ। सात तारीख, आज 7 तारीख है। आज मेरे पुष्पा का जन्मदिन था। 7 साल से इंतजार कर रही थी कि तेरी नजरें मेरी तरफ कब उठेंगी।